हाई एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल सो टूडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर टॉपिक दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हर्ट सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक हर्ट जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो टू टाइप्स का हो सकता है ऑन द बेस की जो ब्लड है वो टिश्यूज़ के कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट आ रहा है या इनडायरेक्ट आ रहा है तो यहाँ पर यह टू टाइप्स का होता है ओपन एंड क्लोज जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है आर्थर पोर्ट्स के अंदर और यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्लड है वो बॉडी कैविटीज़ के अंदर फिल हो जाता है जब भी हार्ट पम्प करता है ब्लड को तो वो फिल हो जाता है इन द ओपन स्पेसिस ऑफ बॉडी कैविटीज़ और यहाँ पर ये यह टिश्यूज़ के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है ओके okay? तो यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं नेक्स्ट आता है क्लोज क्लोज के अंदर क्या होता है ये प्रेजेंट होता है एनेलेट्स एंड कोर्डेट्स के अंदर इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड है वो पंप किया जाता है थ्रू वैसल्स जब भी हार्ट पंप करता है ब्लड को तो ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू वेसल्स तो टिश्यूज के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा है ब्लड क्योंकि टिश्यूज और ब्लड के बीच में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है तो इसी वजह से इस सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नेक्स्ट आता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने चैम्बर्ड हार्ट है तो जो फिशीज़ हैं उसके अंदर टू चैम्बर्ड हार्ट होता है और वन आर्ट्रियम होता है इसके अंदर एंड वन वेंट्रिकल होता है जो एम्फेबियंस एंड रेप्टाइल्स हैं उसके अंदर थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है टू आर्ट्रियम्स होते हैं वन वेंट्रिकल होता है बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है क्रोकोडाइल का जहाँ पर थ्री चैम्बर्ड हार्ट ना हो के फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है ओके okay, तो क्रोकोडाइल के अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है जो क्रोकोडाइल्स हैं बर्ड्स एंड मैमल्स हैं उन सब के अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है और वहाँ पर टू आर्ट्रियम्स होते हैं टू वेंट्रिकल्स होते हैं तो फिशीज़ के अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है उनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है सिंगल सर्कुलेशन का मीनिंग क्या है कि बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो सिर्फ एक बार सर्कुलेट करता है तो हर्ट है वो डी ब्लड ट्रांसफ़र करता है टू तो द गिल्स और जो गिल्स हैं वो उसका ऑक्सीजिनेशन करवाते हैं और कन्वर्ट करते हैं इन टू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्रांसफ़र किया जाता है टू तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है एंड जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पर सीओटो और ओटो का एक्सचेंज होता है जो ब्लड है जब आया वो तब तो ऑक्सीजनेटेड था उसके पास ऑक्सीजन थी बट जब वहाँ से वो लीव करता है तब उसके पास सीओ टू होती है और वो डी होता है ओके okay? तो जो बॉडी पार्ट्स है वो डी ब्लड देते हैं टू द हार्ट और हार्ट है वो दोबारा डी ब्लड ट्रांसफ़र कर देता है टू द गिल्स और ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है तो फिशज़ के अंदर ऐसे सर्कुलेशन होता है और इसी वजह से इसको सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड है वो सिर्फ़ एक बार सर्कुलेट कर रहा है जो एम्फीबीएंस और जो रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है जो गिल्स है जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र कर देते हैं टू द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड जो बॉडी पार्ट्स है वो डी ऑक्सीजनेटिड ब्लड ट्रांसफ़र कर देते हैं टू द राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रोम से और राइट right आर्ट्रियम से सिंगल वेंट्रिकल के अंदर ब्लड है वो पम्प कर दिया जाता है और वहाँ पर जो ब्लड है वो मिक्स हो जाता है तो आगे उसकी जो भी प्योरीफिकेशन होनी है या फिर बॉडी पार्ट्स को जाना है तो वो मिक्स ब्लड ही जाता है तो इस वजह से यहाँ पर इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन नेक्स्ट आता है बर्ड्स एंड मैमल्स एज यहाँ पर फोर चैम्बर्ड हर्ट होता है तो यहाँ पर डबल सर्कुलेशन होता है यहाँ पर टू आर्ट्रियम प्रेजेंट होता है और टू वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको ब्लड वर्स्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है मस्कुलर फोर चैम्बर हार्ट का नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड का जो हर्ट है वो सिचुएट होता है इंटू द थोड़ा सा कैिटी बिटवीन द टू लंग्स और वो कैसे सिचुएट होता है लाइक यहाँ पर यह हमारा राइट लंग होता है एंड दिस इज आवर लेफ्ट लंग तो लेफ्ट लंग के नीचे यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है ओके इंटू द थोड़ा सा कैिटी जो हार्ट है वो प्रोटेक्ट होता है बाय डबल वॉल्ड मेमरिनस बैग डेट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम और जो पेरिकार्डियम है वो फिल्ड होता है विद द पेरिकार्डियल फ्लूड और जो हर्ट है वो फोर चैम्बर्ड होता है टू स्मॉल अपर चैम्बर्स आर कोल्ड आर्ट्रिया एंड टू लार्ज लोअर चैम्बर्स आर कोल्ड वेंट्रिकल्स जो हर्ट है जो आर्ट्रिया है टू आर्ट्रिया हैं तो यहाँ पर इन दोनों को सेपरेट करने के लिए सेप्टम प्रेजेंट होती है डेल्ट इज कोल्ड इंटर आर्ट्रियल सेप्टम और ये थिन्न होती है और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने के लिए सेप्टम प्रेजेंट होते हैं हैंट इज कॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम और ये थिक होती है टू आर्ट्रियाज भी सेपरेट हो गए और टू वेंट्रिकल्स भी सेपरेट हो गए बट एक तरफ के आर्ट्रियम और एक तरफ का वेंट्रिकल लाइक राइट आर्ट्रियम और राइट right वेंट्रिकल वो कैसे सेपरेट होते हैं तो वो सेपरेट होते हैं फ्रॉम आर्ट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम और इसके अंदर एक ओपनिंग होती है जो कनेक्ट करती है आर्ट्रियम को वेंट्रिकल के साथ और ये ओपनिंग गार्डेड होती है बाय वॉल्स टू टाइप्स के वॉल्स होते हैं जो राइट right एट्रियम है और जो राइट right वेंट्रिकल है उसके बीच में जो ओपनिंग होती है वो गार्ड होती है बाय अ ट्राई कस्पिड बॉल और जो लेफ्ट आर्ट्रियम और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके बीच में जो ओपनिंग होती है वो गार्ड uh, होती है बाय अ बाई कस्पिड बॉल तो इसको आप ध्यान में रखना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल है उसके बीच में जो ओपनिंग है उनको जो कनेक्ट uh, करती है उसको कौन गार्ड uh, करता है उसको गार्ड करता है ट्राई कस्पिड बॉल और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को गार्ड करता है बाय कस्पिड बोल्स अब हमने ये तो देख लिया कि राइट right आर्ट्रियम और राइट right वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वो प्रेजेंट है लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वोल्ड प्रेजेंट है बट कुछ वेसल्स होते हैं लाइक एरोटा एंड पलमनरी आर्ट्रीज एरोटा ओपन होते हैं इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी ओपन होते हैं इंटू द राइट वेंट्रिकल तो यहाँ पर इनका ब्लड का बैक फ्लो ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ वॉल प्रेजेंट होते हैं दैट आर सेमिल्यूनर वॉल्स ये गार्ड करते हैं इनकी ओपनिंग को इन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली ताकि यहाँ पर ब्लड का बैकफ्लो ना हो नेक्स्ट आता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ये पूरी कार्डिक साइकिल है अगर इसको आप कंप्लीट कर लोगे लर्न कर लोगे तो आपको डबल सर्कुलेशन ईजिली समझ में आ जाएगा ओके okay. तो हम स्टार्ट करते हैं इसको इससे पहले कुछ टर्म्स आते हैं लाइक सिस्ट्रोल एंड डायस्टोल सिस्टोल होता है कॉन्ट्रेक्शन एंड डायस्टोल होता है रिलैक्सेशन अगर हम कहते हैं कि आर्ट्रियल सिस्टोल तो वहाँ पर आर्ट्रियम का कॉन्ट्रेक्शन होता है अगर हम कहते हैं आर्ट्रियम डायस्टोल तो वहाँ पर आर्ट्रियम का रिलैक्सेशन होता है तो इन टर्म्स के बीच में कन्फ्यूज़ मत होना नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है तो इनको ध्यान से देख लेना कि सिस्टोल है वो कॉन्ट्रेक्शन होता है एंड डायस्टोल रिलैक्सेशन होता है फर्स्टली हर चैम्बर रिलैक्स स्टेट में होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं जॉइंट डाइस्ट्रोल जो परमानी वेन है एंड जो वैना कहवा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं टू द लेफ्ट आर्ट्रिया एंड राइट आर्ट्रिया रिस्पेक्टिवली जो राइट right आर्ट्रिया है वो ट्रांसफर कर देता है ब्लड को टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राई कस्पिड वॉल्व और जो लेफ्ट आर्ट्रिया है वो ट्रांसफर कर देता है ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाई कस्पिड वॉल्व और यहाँ पर सेमिलियनर वॉल्स क्लोज होते हैं जो एस एन नोड है जो एवी नोड है, है इनका काम क्या होता है एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन करना और उसके बाद आर्ट्रिया का या फिर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन या फिर डायस्ट्रोल करवाना ओके okay. जो एस सी एन नोड है उसके अंदर क्या होता है वो एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन करता है और आर्ट्रियल का कॉन्ट्रेक्शन करवाता है और वहाँ पर वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है बाय थर्टी परसेंट जो ए नोड है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और वेंट्रिकल का सिस्टोल करवाता है उसका कॉन्ट्रेक्शन करवाता है ओके और आर्ट्रियल का डायस्टोल करवाता है उसका रिलैक्सेशन करवाता है और यहाँ पर ट्रैक स्पीड वॉल और जो बाइक स्पीड वॉल है वो क्लोज हो जाते हैं ताकि वेंट्रिकल से ही आर्ट्रिया के अंदर ब्लड ना जा सके और जो वेंट्रिकल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि सारा ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आ चुका होता है उसके बाद क्या होता है जो सेमिलिनर वॉल है एटरोटा का वो ओपन हो जाता है यहाँ पर पदमनरी आर्ट्री का ओपन नहीं होता यहाँ पर सिर्फ एरोटा का ओपन होता है उसके बाद जो ब्लड है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास पहुँचा दिया जाता है और वो ब्लड कौन सा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके बाद क्या होता है जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स हो जाता है उसके बाद क्या होता है सेमिलिनर वॉल्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं जो वेंट्रिकल प्रेशर है यहाँ पे डिक्रीज हो गया क्योंकि सारा ब्लड है वो बाहर पंप कर दिया गया था जो वेंस हैं वो ब्लड लेके आते हैं डी ऑक्सीजनेटिड ब्लड टू द आर्ट्रिया और यहाँ पर आर्ट्रिया प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है ट्राइक स्पीड और बाइक स्पीड वॉल है वो ओपन हो जाते हैं और जो डी ऑक्सीजनेटरी ब्लड है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टू द वेंट्रिकल्स और ये वेंट्रिकल्स आगे फिर पलमनरी वेंस को ब्लड दे, दे देते हैं और पलमनरी वेंस लंग्स को ब्लड दे, दे देती हैं और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता रहता है थ्रू परमनरी वेन तो ऐसे ही ये जो साइकिल है वो चलती रहती है और इस साइकिल को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन क्योंकि यहाँ पर हार्ट भी इन्वॉल्व है और लंग्स भी इन्वॉल्व है लंग्स का हैं प्योरीफिकेशन ऑफ द ब्लड और जो हार्ट है वो ट्रांसफ़र करता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है थ्रू आउट द बॉडी तो ये सब था कार्डिक साइकिल या फिर ह्यूमन सर्कुलेशन तो ये बिल्कुल आसान है इसको अगर आप एक फ्लो चार्ट इस फ्लो चार्ट से भी पढ़ोगे तो आप इजीली इसको समझ सकते हो अगर कोई भी परेशानी या फिर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर मैंशन कर देना मैं सॉल्व कर दूँगी ओके सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर वॉचिंग